बद्रीनाथ की ब्रह्म कपाली, शास्त्र कह रहा गरुण पुराण स्कंद पुराण, डायरेक्ट छोड़ दिया होगा तो फिर वो जाएगा, कहीं नहीं गया, घर पे ही है। ओके, ऐसे नहीं जाऊं, माल टाल खरवाया नहीं और छोड़िए माँ बद्री के साथ नहीं गया। ऐसा बहुत झंझट है साहब, ढेर सारा लोग झंझट में पड़ा हुआ है बहुत। कोई के सनात मैं गया जी करके आ जाओ, इसके बाद बामण के भोजन ही मत करा, सीधी छुट्टी, हम तो छोड़ आया, हम तो छोड़ के आया। तो किसी ने पूछा तुम छोड़ के तो आयो, मना नहीं है, पर जब 16 श्राद्ध आता है, 16 दिन हमारे पितरों को मृत्यु लोक में भेजा जाता है, तुम तो छोड़ आए, तुम्हारी शादी किसी गार्डन से हुई, बोलो ईमानदारी की बात, अब गार्डन से हुई तो तुम 50 बार गार्डन के सामने से निकलोगा तो तुमको याद आएगी कि नहीं आएगी, बोल ईमानदारी से बोलना। मेरी शादी धर्मशाला से हुई थी, भले वो धर्मशाला की जगह पे दूसरी कॉलोनी बन गई, भले वो धर्मशाला की जगह पे दूसरा कुछ बन गया, भले वो गार्डन की जगह दूसरी चीज बन गई, पर याद तो है नहीं तुम्हें कि यही आफत आई थी मारे, ध्यान में तो है कि इसी गार्डन में मेरी शादी हुई थी, यही धर्मशाला, इसी धर्मशाला में मेरा ब्याह हुआ था, ध्यान में है कि नहीं? जितनी बार निकलोगे तुम्हें वो धर्मशाला याद आएगी, जितनी बार निकलोगे तुम्हें वो गार्डन याद आएगा, जितनी बार निकलोगे तुम्हें वो नजर आएगा कि यहां मेरा विवाह हुआ था, यहां मेरी शादी हुई थी। उसी तरह हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं, जब जब 16 श्राद्ध में मृत्यु लोक पर पितृ लोक से आते हैं, सबसे पहले तुम्हारे ही घर पर जाते हैं, आस लगाकर, विश्वास लगाकर तुम्हारे ही दरवाजे पर जाकर कुछ मांगने का प्रयास करते, कुछ पाने का प्रयास करते, तुम्हारे दरवाजे, ये फर्ज आपका है, ये फर्ज आपका है कि आप उनको दे रहे हो ना दे रहे हो। ब्राह्मण भोज तो कराना चाहिए, गौ माता को रोटी का दान तो देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, समुद्र मंथन के समय पर देवता राक्षसों ने मिलकर जब मंथन किया, सुमेरु पर्वत को लेकर शेषनाग की नेति बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा, मंथन करना जब प्रारंभ करते हैं, उस समय पर सबसे पहले अगर कुछ निकली है तो गौ माता निकली। क्या निकली है? गौ माता। कारण, गाय को निकालने का कारण केवल इतना था कि गाय का जो दूध निकलेगा, मंथन में जो विष निकलेगा, उस विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, और उस कंठ की जलन को गाय का जो दूध है वो जलन को रोक सकता है। थोड़ा सा कच्चा दूध, कच्चा दूध मतलब तपाया ना हो, आवाज बढ़ा लो, रिटर्न, थोड़ा सा कच्चा दूध, और अपन अमावस्या के दिन या पितृपक्ष में या ब्राह्मणों को या ब्राह्मण के बच्चे को अमावस्या के दिन दूध पिलाते हैं या दूध का गिलास देते हैं तो वो पका हुआ नहीं रहता, वो पका हुआ नहीं रहता, वो कच्चा दूध है। पीपल के नीचे जो दूध चढ़ाते हैं वो जम के बोलते जाओ कच्चा, शिव जी को जो दूध चढ़ाए वो कच्चा। कहीं पूजन में अगर प्रयोग लिया जाए तो कच्चा, पका हुआ का वर्णन नहीं है कि पका हुआ दूध होना चाहिए, यहां तो कच्चे दूध का वर्णन है कि कच्चा दूध, वहां कच्चा दूध चढ़ाया। किस लिए? कारण क्या है? शंकर भगवान के श्री विग्रह में, भगवान शंकर के शिवलिंग में, भगवान शिव के शिवलिंग के भीतर
सारे लोक, चाहे वो बैकुंठ लोक हो, चाहे वो मृत्यु लोक हो, चाहे वो पितृलोक हो, सब उस शिवलिंग के भीतर विराजमान है महाराज। शिवलिंग के भीतर विराजमान है महाराज, शिवलिंग के भीतर सारे के सारे, सारे लोग वहां पर विराजमान है। ठीक है, अब आपने जब कच्चा दूध शंकर जी पर समर्पित किया तो केवल शिव के लिए नहीं गया, वो कच्चा दूध जब आपने शंकर भगवान को चढ़ाया तो वो दूध सारे लोकों में होता होता हो पितृ लोक में भी गया, और जो आपके पूर्वज थे उनका कल्याण कर दिया उस दूध ने, उस भाग ने।